गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। बस मेरी आंखें नहीं खुल रही क्योंकि इतनी ज्यादा नींद है मुझे, बट सुबह सुबह यहाँ घर के नीचे पता नहीं क्या इतना शोर है, कुछ एक्टिविटी हो रही है या क्या, तो मैंने बाहर निकल के देखा। आप भी देखो जरा क्या हो रहा है। ये पता नहीं क्या हो रहा था, मतलब बहुत सुबह से ही शुरू हो गया था। 3-4 बजे से रोहिंदी कह रही थी, रोहिंदी तो मुझसे भी पहले उठ गई थी, वो आई गेस 6 बजे उठ गए थे और अभी 7 बजे मैं उठ रही हूँ। पता नहीं क्या चल रहा है और ये इतनी देर से चल रहा है कि अब नहीं सो सकते हम, इतना ज़्यादा लाउड म्यूज़िक है कि उठना ही पड़ेगा। तो अब मैं आपसे फ्रेश होकर मिलती हूँ। कितनी एक्टिविटीज होती है मुंबई में, देखो कैसे दौड़ रहे हैं। मुझे मन कर रहा है मैं भी जाऊं दौड़ने। आधे लोग दौड़ रहे हैं और आधे वहीं पे उछल उछल के कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ तो हो रहा है। मुझे बड़ा मजा आ रहा है, देखिए मैं पता करती हूँ क्या हो रहा है फिर आपको भी बताऊंगी कि वो क्या रहा है। आई गेस कोई मैराथन है और कुछ लोग जो शायद दौड़ नहीं सकते वो वहीं पे खड़े हो गए उछल उछल के एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्या आप ये सेटअप देख के आइडिया लगा सकते हो कि क्या बनने वाला है आज? देखो राई है, करी पत्ता है और बस थोड़े बेसिक से मसाले। नहीं पता लगा? ये देखो जी मैं बताती हूँ, आज बना रही हूँ मैं पोहा। पता नहीं कैसा बनेगा इतने टाइम बाद, बट मुझे आज मन कर रहा था कि मैं बनाऊँ। कृष्णा ऑलमोस्ट बनाने वाली थी, मैंने कहा तो रुक जा मैं बनाऊंगी, तो मैं आ गई। लो जी पोहा रेडी है, बट अब रजत की फरमाइश है कि मैं पोहा अनार के साथ ही खाऊंगा, तो अभी अनार ऑर्डर किए, अनार का वेट करेंगे फिर खाएंगे। उतनी देर में दाल को भी छोंक लगाई हुई है यहाँ पे। आज पता नहीं क्यों सुबह सुबह मुझे मन कर रहा था कि मैं खाना बनाऊंगी। दाल बनाने का मेरा मन था वैसे। मुझे पर खाना बनाना इतना पसंद है कि मैं और रजत लड़ते रहते हैं, मैं बनाऊंगा मैं बनाऊंगी मैं बनाऊंगा मैं बनाऊंगी, और मैं जीत गई, मैंने बनाया। तो अभी जो शोर सुन रहा था ना हमको, जो नीचे हमने देखा भी क्या हो रहा था, वो एक इवेंट हो रहा था इनविंसिबल विमेन करके, एंड इट वाज टू स्प्रेड अवेयरनेस फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल फॉर विमेन। तो देखो हेल्दी तो आप तभी रह सकते हो जब आप हेल्दी चीजें खाओगे, एक्सरसाइज करोगे, हेल्दी चीजें यूज करोगे और हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाओगे। तो वैसे ही मैंने भी सोचा कि यार मैं अब रेडी हो रही हूँ, हम भी कहीं बाहर जा रहे हैं, यहाँ पे मैंने सुना है कि वो इवेंट हो रहा है, तो मैंने सबसे कहा कि प्लीज़ चलते हैं यार मुंबई आए थोड़ी मौज मस्ती करते हैं। तो हम तैयार होने लगे, तो फिर मैंने सोचा कि मुझे ना एक ऐसा लिपशेड यूज़ करना है जिसमें ना तो कोई केमिकल्स हो, ना कोई टॉक्सिन्स हो, ना कोई पैराबेन्स हो, एंड येट वो मेरे लिप्स पे स्टे भी काफी लॉन्ग करे, मेरे लिप्स को हाइड्रेटेड भी रखे, मॉइस्चराइज भी रखे। सो गाइस व्हाई नॉट, बिकॉज मामाअर्थ हाइड्रा मैट क्रियॉन ट्रांसफर प्रूफ लिपस्टिक्स हैव गॉट यू कवर्ड। ये इजीली आपके लिप्स पे ग्लाइड करता है एंड फील्स लाइट एज एयर। इन लिपस्टिक्स का रिच कलर पूरे दिन तक स्टे करता है विद अ हाइड्रेटिंग मैट फिनिश ऑन योर लिप्स, एंड ऑल्सो इट इज क्राफ्टेड विद नरिशिंग एंड हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट्स लाइक आर्गन ऑयल एंड हाइलुरोनिक एसिड, एंड यस यू नीड नॉट टू वरी अबाउट यूजिंग देम डेली बिकॉज दे आर मेड सेफ सर्टिफाइड विच इज अ प्रूफ ऑफ नो केमिकल्स टॉक्सिन्स एंड पैराबेन्स। इसमें 7 शेड्स आते हैं एंड दे आर ट्रांसफर प्रूफ एंड ऑल्सो कम्फर्टेबल टू वेयर। अब मैंने आपको प्रोडक्ट की गुडनेस के बारे में तो बता दिया, बट अगर मैं आपको ब्रांड के बारे में बताऊँ तो मामाअर्थ ने एक प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव शुरू किया जिसमें जब भी आप mamaearth.in से अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे तो ये आपके ऑर्डर को एक ट्री के साथ लिंक कर देगा, और 2025 तक ये एम कर रहे हैं 1 मिलियन ट्रीज को प्लांट करने का। और हाँ एक गुड न्यूज ये है कि अभी तक तो आपको mamaearth के प्रोडक्ट्स ऑनलाइन अवेलेबल थे, बट अब आपको ये ऑफलाइन आपके नजदीकी स्टोर्स पे भी मिल जाएंगे, और अगर आप इन्हें ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो आप इसे Amazon, Flipkart या Nykaa से ले सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। और अगर आप इसे mamaearth की ऑफिशियल वेबसाइट से लेते हैं या फिर mamaearth की ऑफिशियल ऐप से लेते हैं यूजिंग माई कूपन कोड विच इज ज्योतिका 2023, तो आपको फ्लैट 20% डिस्काउंट मिलेगा। अब आप ये सोच रहे हो कि मैं तो पूरी रेडी होगी पर बाल क्यों नहीं बनाए, क्योंकि आज धूप इतनी ज्यादा है तो मैं सोच रही हूँ कैप पहन के जाती हूँ। अभी कितने दिन हुए आपको आए हुए? कितने सारे पूरा रोजी दी, पहले बताओ मुझे कि कितने दिन हुए अभी आए हुए? हफ्ते तक प्यार टिका है अभी तक। मैं ये देख रहा हूँ कि वो जो लास्ट टाइम मम्मी थप्पड़ मारा है अभी सुबह है, हो गया शुरू, इसने मुझे काटा मेरी बाजू में, क्या ऐसे दांत मारा। मुझे याद है जब आप लास्ट टाइम इंडिया आए थे और आप एटलीस्ट मैंने इसको वार्निंग तो दी थी मेरे को काटने की आ रही है, तो मेरे को सीधा ही थप्पड़ मारा। काटने की आ रही क्या हो आप?
पर पीछे तुम पहले फ्लेमिंगो तो देखो कितने सारे हैं। फ्लेमिंगो फ्लेमिंगो मेरी बात सुनो, पिछली बार वाला इंसिडेंट बताऊं मैं? कि जब आप इंडिया आए हुए थे तो एंड एंड के डेज में आप वो लूडो में 10-10 रुपए खेलते थे और फिर चीटिंग करी थी किसी एक ने और फिर आप लोग इतना लड़े थे कि एक दूसरे के ऊपर नाखून के निशान खून निकल गया था। झूठ नहीं है, सच बताओ। रोहिंदी अपनी वीडियो के लिए सलाह में कुछ भी बोल रहा है, करो कसम। अगर निशान नहीं पड़े थे, निशान पड़े थे तो याद रहता, चांटा तो मार दूंगा। इसमें तो कोई दो चांटा नहीं था एक दूसरे को, चांटा वाटा तो मैं मार देती इतना तो मेरे को पता है, लेकिन खून वून नहीं निकाला। फिर आई स्वेयर मुझे पूरा याद। अच्छा डोमेस्टिक अब्यूज हो जाता इंडिया में, कुछ डोमेस्टिक अब्यूज होता है अगर कॉल करो किसको किया आपने? मम्मी को, मम्मी को कॉल करो तो वहां से आती है पूरी, क्या कहते हैं सबसे बड़े वाले डीएसपी साहब आते हैं सारे बाल खींच दिए। शुक्र बनाना है यहाँ ऊपर फाउंटेन नहीं बनाया, यहाँ बनाना था देखने आए थे और बहुत ही अच्छा था, और साथ ही साथ अब हम व्यू भी देख रहे हैं, बड़ा ही सुंदर व्यू है और मुझे ये देख के बड़ी खुशी हो रही है। जैसे मुंबई एक बड़ा सिटी है, टाउन है, तो यहाँ पे कितना कुछ होता रहता है ना, और इतना लाइवली सा फील होता है जब कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं। बीच इवेंट से उठ के कौन जाता है? बीच इवेंट से उठ के, अरे टांगे सो रही थी, मैंने सोचा थोड़ा घूम ही लेती हूँ आसपास में, बिकॉज़ यू सी आई एम अ टूरिस्ट। यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। थैंक्स सन, आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट, आई एम अ टूरिस्ट। Side by side our fears are done. All the good times just begun. नहीं, तुम शादी के लिए अच्छे खासी वो डाइटिंग कर रही हो। कुछ मत बोल मेरी बहन को, ठीक है ना? क्या? It is a good source of calcium. That's why it's very good. Oh. It contains live and active culture. That's good for your gut. That's written to misguide people like you. Mix ले रही हूँ मैं, okay? We know what we have, let's hold on tight. Jenna, what is this, gelatin? No, it's fruit puppets, more like grass jelly and all that. Chef ke saath aaye hum, kuch bhi bhul lo, it's like tapioca. Ghusiya to nahi maar rahe? Pata laga inko samajh to aayega nahi. English mein kuch bhi bolne ja rahi, soch rahi hoongi inko samajh to aana nahi. Mujhe train ko bhi jaana hai. This is a damage control. Nahi nahi nahi, mujhe acha lagta hai ye sab. मुंह में पानी आ रहा है। मैंने क्या बनाया? जो कुछ
भी मिला, ये रजत को खाना था, ये मुझे खाना था, ये रोहिणी के लिए, मतलब सबका कुछ कुछ जिसकी जो जो इच्छाएं थी सबने इसमें भर दी है। जब से रोहिणी दीदी आए हैं ना, उनकी ना इतनी लंबी लिस्ट है, मुझे ये करना वो करना सो करना, तो हम वो सब कुछ करे जा रहे हैं। और रोहिणी को ये होता है कि वो सुबह सुबह उठ जाता है कि मेरी वेकेशन है, मैं अपना एक भी दिन वेस्ट नहीं करना चाहती, मैं खुल के जीना चाहती, खूब मजे करना चाहती। तो वैसे ही हम भी कर रहे हैं यार। मुझे लग रहा था कि अगर हम डेली का रूटीन यही बना दें लाइफ कितनी ज्यादा और इंटरेस्टिंग लगती है। दिन कितने बड़े लगते हैं, एग्जैक्टली दिन कितने बड़े लगते हैं। So yes, we are enjoying. I hope you are also enjoying watching our vlogs. Do let me know in the comment section. और like share subscribe करो। और किसी ने comment में ये कहा था कि अगर हम सब लोग मतलब 8 लाख लोग दो दो subscribers add करवा दे हमारी मतलब subscriber list में, तो हमारे 1 million हो जाएंगे शादी तक। That was so thoughtful. और अगर आप लोग कर देंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। उससे बड़ा गिफ्ट नहीं हो सकता। एंड थैंक यू सो मच, आपने इतना सोचा भी, बट दैट्स ओके। अगर आपको करना ही पड़ेगा करो फिर। सो आज से मेरी प्री ब्राइडल ग्रूमिंग भी शुरू है, तो अभी मैं आई हूँ क्लीन अप एंड ऑल के लिए। तो क्लीन अप के बाद आपको मिलती हूँ, फिर आप देखना बिफोर आफ्टर कोई डिफरेंस है। हो गया मेरा ट्रीटमेंट और मुझे भूख लगी, तो फिर मैं खाना खा लूँ। घर से आया खाना, वहाँ देखना आपने कैमरा में देखी कैमरा हाँ, और स्माइल करते रहे। अरे मैं और रोहिणी ना अभी अपना ये जो क्लीन अप के लिए गए थे उससे आ गए, और रोहिणी को तो बिल्कुल ही टाइम नहीं लगा, बस मुझे थोड़ी टैनिंग हुई थी इसलिए थोड़ा टाइम लगा। और रोहिणी को कहते हैं कि आपको तो ये ब्लैक हेड वगैरह रिमूव करने के लिए कुछ भी नहीं है, वैसे तो मेरे भी नहीं थे, बट अभी हम दोनों अपने बालों का सोच रहे कुछ करते हैं। आप क्या कराओगे, हेयर कट? मैं भी सोच रही हूँ कलर चेंज करती हूँ या कुछ करती हूँ या फिर सेम ही रखती हूँ कुछ तो कलर कलर्स हाँ या कलर करती हूँ, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करते हैं यार। कम ऑन, दो दो शादियाँ हैं घर पे, अभी आपको पता नहीं है कि क्या है जो मैं बोल रही हूँ, बट आने वाले व्लॉग्स में आपको सब पता चल क्या है क्या है सस्पेंस है देखते रहिए ज्योति एंड रजत के व्लॉग। टिल देन स्टे ट्यून्ड। यस यार, मैं बैठ बैठ के थक चुकी हूँ, थोड़ा वॉक कर। तुम्हारे बाल कहाँ गए? बाल इसके अंदर है, पॉली के अंदर। खाना है, बाल नहीं काटने बिल्कुल। मुझे बहुत लंबे बालों का बहुत ज्यादा शौक है, इसलिए मैं लंबे कर रही हूं। गुड बाय नैना, कब तक फ्री होगी? 2 साल बाद लग ही रहा है, बस होने वाला है। और बोलतन सर नीचे कर लो। हाँ सो जाता, हर जगह कम्फर्ट ही देखेगा। रोजी दी अच्छे लग रहे हैं इसके बाद। नैना दिखाओ, यू कैन सी दैट हाउ सो हैप्पी शी इज। नैना नैना नाचना नहीं है, इतनी खुशी है। इसके बाल भी कितने लंबे हैं, काट दो इसके बाल थोड़े से। ओह नो, कलर करने से पहले मैंने 100 बार पूछा कि ऐसे करते वैसे करते, बहुत डिस्कशन की हमने। फिर उसके बाद जब कलर करने लगे उसके बाद हमने फिर से प्लान चेंज कर दिया, और देखो आउटकम कितना अच्छा है।